तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एलपी के पद भरने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा अब रेलवे एलपी के पद हैं वो 60,000 कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीबीटी 2 के लिए कट ऑफ क्या रहेगी कि आप कितना स्कोर करें सीबीटी फर्स्ट में कि आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। लेकिन दोस्तों वीडियो के ऊपर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये ब्लैक कलर में हो जाएगा, उसके पास आ जाएगा एक बेल आइकन। अब आपको इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना है, फिर जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि यहां पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं वो जनरल के लिए 40% है, ओबीसी और एससी के लिए यहां पर 30% क्वालिफाई मार्क्स है मिनिमम, और एसटी के लिए है 25% यानी 25%। इतने मार्क्स तो आपको सीबीटी फर्स्ट में लेके आने होंगे तभी आप सीबीटी 2 में जा पाएंगे, कम से कम आपको इतने मार्क्स जरूर जरूर चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि सीबीटी 2 के लिए कितने विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर वैकेंसी है 60,000 और जैसा कि नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया गया था कि वैकेंसियों से 15 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे। तो दोस्तों 60,000 का 15 गुना हो गया 9 लाख और लगभग कुल फॉर्म यहां पर है 45 लाख, इसलिए कुल फॉर्मों में से 20% विद्यार्थियों को यहां पर पास किया जाना है। यानी जितने विद्यार्थी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देंगे उनमें से लगभग 20% विद्यार्थियों को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ यहां पर कुछ इस प्रकार रहने वाली है, जनरल की है 55%, यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं प्रतिशत में, तो प्रतिशत में है 55%, ओबीसी की है 50% और एससी की है 45% और एसटी की है 40%। ये दोस्तों हो गई परसेंटेज में, इतने प्रतिशत मार्क आपको चाहिए सीबीटी फर्स्ट में तभी आपका नंबर सीबीटी 2 के लिए आ पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कहो कि सर मार्क्स में बताओ, तो देखिए दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको मार्क्स में कि आपको कितने नंबर सीबीटी फर्स्ट में लेके आने हैं। तो दोस्तों सीबीटी फर्स्ट में यूआर के लिए कट ऑफ रहने वाली है 41 से 43, यानी अगर आपने 41 से 43 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका सीबीटी 2 के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों ओबीसी में है 37 से 39, एससी में है 33 से 35 और एसटी में है 30 से 32। ये देखिए दोस्तों ये है यहां पर क्वेश्चन, आपको इतने क्वेश्चन सही करने हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई आराम से कर दोगे। अब दोस्तों बात यह आती है कि आप इतना स्कोर किस प्रकार से करें। तो दोस्तों आपको इतना स्कोर करने के लिए मैथ और रीजनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, 100% बिल्कुल सही बात है। मैथ और रीजनिंग को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और दोस्तों ज्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं, इसलिए आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा फायदा उठाना है। आपको पता होगा मैथ और रीजनिंग में यहां पर कुल मिलाकर टोटल पेपर होता है मैथ और रीजनिंग का 45 नंबर का हो गया यहां पर, तो 45 में से आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, इन 45 में से ज्यादा मार्क्स आपके नहीं कटने चाहिए तभी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि इन 45 में से बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, इसलिए आपको इनके ऊपर खास ध्यान देना है। और बचे हुए साइंस और अगर जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो वो भी आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। तो दोस्तों ये थी रेलवे एएलपी की कट ऑफ। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, आपके मन में कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। और दोस्तों लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट की न्यूज और रेलवे एएलपी से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।